खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर गायत्री मंत्र को लेकर के एक स्कूल में बवाल जारी है। दरअसल बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्रेयर कर रहे थे, गायत्री मंत्र बोल रहे थे और बीच गायत्री मंत्र के ही उन्हें रोक दिया गया। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या सफाई दी इसको लेकर के, वो भी आप देख लीजिए। बच्चे स्कूल में प्रेयर के बाद गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। इसके बाद अचानक इन बच्चों को मंत्र बोलने से रोक दिया जाता है। मामला राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर का है। वीडियो बुधवार सुबह का बताया जा रहा है। बच्चे रोजाना की तरह प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र बोल रहे थे। कुछ देर बाद एक टीचर प्रिंसिपल के पास जाकर कुछ कहती है। इसके बाद प्रिंसिपल महोदय बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। किसने कहा ये के बोलना है, बताइए, किसने कहा तुमसे कि सर चुप रहेंगे, सर बोलेंगे तो चुप नहीं रहना है। पूरे मामले का वीडियो बनाने से रोक दिया जाता है। बता दें कि सीएम राइज स्कूल ब्यावरा में 192 बच्चे पढ़ते हैं। जब से स्कूल चल रहा है तब से गायत्री मंत्र बोलने की परंपरा रही है, लेकिन अचानक से मंत्र बोलने से रोक दिया जाता है। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ब्यावरा एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर गायत्री मंत्र बोलने से रोकने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। पूरे विवाद पर स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई दी है। गायत्री मंत्र जो होता है और इसके अलावा महामृत्युंजय जाप बोला जाता है, और इसके अलावा 2-3-4 श्लोक और थे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा इस तरह किसी विशेष धर्म को आप बढ़ावा नहीं दे सकते सरकारी स्कूल में। तो लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आज बच्चों को उकसा दिया उन्होंने कि राणा सर अगर मना करे तो भी आपको कंटिन्यू गाना है। प्रिंसिपल का कहना है कि कुछ शिक्षकों ने छात्रों को उकसा कर मामले का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। और शिक्षक द्वारा वीडियो बनाया गया, हरीश सक्सेना द्वारा वीडियो बना करके जो है वायरल किया गया। बाकी तो और कोई बात नहीं हुई।